अपन लोगों के मोमोज के पहला बैच का पहला पीस आ चुका है अपने हाथ में, ये न्यूट्री वाला है, तो फटाफट इसको टेस्ट करके देख। ओहो भाई इतनी ज्यादा ठंड, ओहो मौसम देखो तुम लोग एक बार। एंड आज फ्राइडे है भाई, अपन लोगों ने ना अलोक इंडस्ट्रीज में लॉन्ग करा, वैसे तो उस पर लिखा आता स्टॉक इज अंडर वॉच बाय एक्सचेंज, बट भाई अगला प्रॉफिट बहुत प्यारा देगा। 28.35 पे बाय करा, 29.85 या 29.90 पे अपन लोगों ने सेल कर दिया। एंड भाई वो भी वॉशरूम में बैठे बैठे जो प्यारा प्रॉफिट देखे गया ना, एक तो भाई इतने सारे शेयर्स खरीद पाए अपन लोग बहुत ही कम पैसों में, जस्ट बिकॉज इंट्राडे था एंड ऊपर से शेयर की वैल्यू ही इतनी कम थी, एंड पर शेयर ऑलमोस्ट 1.5 रुपये का प्रॉफिट। तो भाई तुम यही देख लो, अगर 3000 रफ आइडिया लगाओ मैंने शेयर खरीदे हुए ना, तो 4500 का प्योर प्रॉफिट, इसे कहते हैं मस्त ट्रेड, और वो भी फ्राइडे को हो गया, वीकेंड अपना मस्त जाएगा। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। मैं पहले भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ, ये मैं कोई एसेस तुम लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई, आज मेरे साथ ये हुआ। बस यार ब्लॉग के कॉन्टेंट के लिए और एक कोरिलेशन बन जाती है जो ट्रेडर्स भाई हैं उनके साथ, तो चलो वही है भाई। बस और बस अभी बज रहे हैं 9:40, 9:30 के करीब अपन लोग बैठे थे फ्रेश होने के लिए, मतलब पेट खाली करने के लिए। 9:25 तक अपन लोगों को ट्रेड मिला एंड फिर अभी तक अपन लोगों ने होल्ड करा 9:35-36 तक, एंड अब अपन लोग तुम्हारे सामने बिल्कुल फ्री। तो फ्राइडे है भाई, फ्राइडे वो अपना सैटरडे वीकेंड इतना प्यारा जाएगा, पर बहुत अच्छा ट्रेड गया भाई, इसे अच्छा ट्रेड कह सकते हैं कि अपन लोग रिलैक्स कर सकते हैं, आप सब अपन लोग कुछ काम करने की जरूरत नहीं। दो दिन यार इस बाल्टी में ना गर्म पानी पड़ा है, अगर एक स्पेसिफिक एंगल से देखे तो इसमें से धुआं इतना सारा निकल रहा है ना, इतना सारा कहने की खातिर तो थोड़ा पास ला के ले सकते, तब शायद दीजिए तुम लोगों को हल्का हल्का दिख रहा होगा भाई, रियलिटी में तो इतना ज़्यादा निकल रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आग लग रखी हो। चलो कोई ना, पोचे का पानी है, इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी सफाई वाली आंटी के हाथ तो वो ठंड नहीं लगेगी, एंड दूसरा भाई अच्छे से पोचा भी लग जाएगा, तो बड़ा प्यारा सिनेरियो है। भले ही तुम लोगों को काफ़ी कम दिख रहा है, बट रियलिटी में भाई बहुत धुआं निकल रहा है, मुंह से ही बहुत धुआं निकल रहा है। यार ये जो गार्लिक होता है ना खाने में तो देखो नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब तड़के वगैरह में बहुत ही ज्यादा सही लगता है। ऑन द अदर हैंड जेड़ा बंदा इसको छीलता है ना भाई, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। अब ये देख लो, आज गार्लिक छीलने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमारे माता श्री ने हमको दी, क्योंकि आज रात को हमारे घर पे डिनर में बन रहे मोमोज। बाहर के मोमोज खाए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, कोई न्यूज भी फैली थी मोमोज से रिलेटेड, तो उस करके भाई 2 महीने हो गए मोमोज खाए को। बट ऑन द अदर हैंड घर के तो खा सकते हैं ना, इस करके भी उसके प्रिपरेशन शुरू हो रही है। यहाँ पे गोभी भी मतलब एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, साथ में न्यूट्री भी, देखने से तो चिकन लग रही है बट ना भैया न्यूट्री है। दो प्रकार के मोमोज बनेंगे, गोभी के, न्यूट्री के। न्यूट्री का तड़का मैं तैयार करूंगा, गोभी का मम्मा तैयार करेंगी, बट वो आराम की बात है। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, अपने पास करने को कुछ भी नहीं है, तो एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट आज अपने को मिला भाई, ये मोमोज है, दिल लगा देंगे मोमोज बनाने में। तो भाई यहाँ पे देख लो मोमोज बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आटा भाई मेरे को लगता है थोड़ी ज्यादा ही क्वांटिटी में हो गया, बट कोई ना चलता है। ये न्यूट्री वाली फिलिंग एंड ये गोभी वाली फिलिंग जो तो भाई कुछ भी नहीं रही, एंड उसके साथ साथ ये सॉस तुम्हारे भाई ने बनाई है जो खाने में एक नंबर है, चिली गार्लिक सॉस, बहुत सेक्सी है। अपन लोगों के मोमोज के पहला बैच का पहला पीस आ चुका है अपने हाथ में, ये न्यूट्री वाला है, तो फटाफट इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखो वन बाइट बना है, क्योंकि अपन लोगों को इतने कोई बड़े प्रोफेशनल तो है नहीं, कोई मोमोज की रेडी तो लगानी है नहीं।
मेरे हिसाब से ना चंडीगढ़ के 90% रेडी वाले फेल कर दिए भाई हमने। ओहो बहुत ज्यादा प्यार बने, पर बने थोड़े छोटे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट ए ओके एज पर फिट एज इट कुड पॉसिबिलिटी। तो भाई यहाँ पे देख लो, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं, जो देखने में बहुत 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 ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई। मतलब इनको खाने में तो मजा आ जाएगा, बट हमको ये नहीं पता कि केड़े अपने गोभी वाले एंड केड़े न्यूट्री वाले हैं, वो तो भाई खा के ही पता लगेगा। खुल जा भाई, ओह भाई क्या ही ग्लास फिलिंग थी मोमोज की, मजा आ गया, पेट एकदम ऊपर तक भर गया एंड एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। अब तो खैर मैं बाहर की लाइटें बंद करके करने आया हूँ, उसके साथ साथ इट्स ऑलमोस्ट 7:35 इन द नाइट एंड अभी जब दिखाने कुछ बचा तुम लोग बंद नहीं कुछ बचा तो इसे नोट पर करता है इस वीडियो को। होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, काफी मीन नवी चीज नवी एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।